हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। तो 11th के बच्चे अब जरा 12th में आ गए हैं, तो 12th क्लास की फिजिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे और पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका चैप्टर नंबर 1 रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसको चैप्टर में, आपको इस चैप्टर में। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली यूनिट है फिजिक्स की, उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। देखो पहले इस यूनिट का मतलब समझाते हैं आपको, फिर चैप्टर पे चलेंगे। जरा ध्यान से देखो, ये दो वर्ड से बनी है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। ये जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें दो वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। देखो स्टैटिक का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो का यहां मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की स्टडी करना, चार्ज की स्टडी करना जब वो चार्ज रेस्ट में हो, तो फिजिक्स की इस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत आसान सी बात है, हमें चार्ज की स्टडी करनी है। क्या करना है? चार्ज की स्टडी करनी है, लेकिन वो चार्ज क्या हो? वो चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ आई? छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज किस में हो? रेस्ट पे हो, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो रेस्ट में है। चार्ज रेस्ट में है, उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रो स्टैटिक। कोई दिक्कत? बहुत आसान सी बात थी। देखो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक आएगा, इलेक्ट्रो डायनामिक। जैसे अभी चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 2 पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये जो दो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। थर्ड फिर आ जाएगा, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्ज एंड फील्ड, मैग्नेटिज्म वगैरह, वो सब आते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक में। अब आप इसका नाम भी अच्छे से समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ये इलेक्ट्रोडायनामिक है। डायनामिक का मतलब मोशन, और इलेक्ट्रो क्या था हमारा? इलेक्ट्रो तो चार्ज है ही भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है ही। तो चार्ज की स्टडी करना, चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज किस में हो? मोशन में हो, मूव कर रहा हो। जब चार्ज मूव कर रहा हो उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रोडायनामिक, और जब चार्ज एक ही जगह पे रखा हुआ हो, स्टैटिक हो, तो उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बेटा, दोनों बातें समझ आई? तो ये यूनिट 1 है, इसके बाद हम ये यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक, आगे आपकी फर्स्ट ही बुक में। अभी फर्स्ट ही बुक का पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये यूनिट का नाम मैंने आपको बताया, यूनिट का नाम क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोडायनामिक हम थर्ड चैप्टर से पढ़ेंगे, जो कि क्या है? चार्ज की स्टडी करना जब चार्ज मोशन में हो। तो ये था यूनिट के बारे में। तो फटाफट से अब चैप्टर को जो है स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना हर एक टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। देखो बहुत इजी सी डेफिनेशन बताता हूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। जैसे आपने मास पढ़ा होगा, ऐसी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज।
मैटर की इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी कह सकते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल कह सकते हो या कह सकते हो नेचुरल प्रॉपर्टी, मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी है चार्ज, नेचर से हमको मिली है। देखो भाई मैटर के अंदर क्या है, मैटर के अंदर है एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या है, एटम्स के अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात तो केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, नाइन्थ क्लास से एट्थ क्लास से इस बात को पढ़ रहे हैं कि मैटर जो है वो बना एटम्स से, और एटम के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन की तो यहां बात ही नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, तो यही तो चार्ज है। देखो अब फिर से, चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मैटर की नेचुरल प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे मैटर के पास मास होता है ऐसे ही मैटर के पास चार्ज भी होता है। मैटर पढ़ा था नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री में, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, पढ़ा था एंड हैव मास, तो अब उसमें ऐड कर लो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड चार्ज, जिसके पास मास भी हो और चार्ज भी हो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर की जो है नेचुरल प्रॉपर्टी कह लो या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह लो या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह लो, तीन तीन वर्ड बता दिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जो कि आपने अभी देखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, यही तो चार्ज है। तो चार्ज कहां से आया, चार्ज तो एटम के अंदर है नेचुरली, फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टी है, बात समझ आई। चलो ये तो था चार्ज, बहुत आसान सी बात थी कि चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, मैटर की फंडामेंटल नेचुरल प्रॉपर्टी है जो नेचर से हमें मिली है, क्योंकि मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही तो हमारे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर। चलो ये तो था चार्ज के बारे में। अब चार्ज को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय क्यू, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं, कूलाम को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो कहीं भी अगर हम चार्ज लिखेंगे तो ऐसे लिख, आपने देखा भी होगा बुक में क्यू इज इक्वल टू 10 कूलाम, तो क्यू क्या है, क्यू जो है चार्ज का सिंबल है। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, देखो चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है कूलाम, और कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं, कूलाम को हम सी से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है, चार्ज क्या होता है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, आपको पता ही है फिजिक्स में ज्यादातर यूनिट्स जो है वो साइंटिस्ट के नाम से ही होती है। इतनी बात क्लियर। चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेचुरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैटर किससे बना, एटम से बना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज होता ही है, तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा मास भी प्रॉपर्टी होती है, उसको आप जानते ही हो, अभी मास और चार्ज में हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे, इतना नोट करो फटाफट से। आगे चले बेटा, चलो अब हमने पढ़ा कि चार्ज जो है वो मैटर की इंट्रिंसिक नेचुरल प्रॉपर्टी है, मान लिया फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। अब कभी अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा हो, देखा होगा 100%, तो आपने देखा होगा बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटोन बंद होते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा कुछ आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, हाँ या ना, देखा होगा एटम का स्ट्रक्चर,
बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंद होते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद हैं, इनको तो हमने बाइंड किया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी से इनको बंद किया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंद हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ खिलवाड़ करना आसान है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, अंदर डाल दिया फिर से ऑर्बिट में, इसमें थोड़ी कम एनर्जी लगती है। हम प्रोटॉन को निकालें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ बंद है, उसको निकालने में बहुत हाई एनर्जी लगती है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे फिलहाल। फिलहाल हमें किसके साथ खेलना है, हमें खेलना है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसीलिए हमारी यूनिट का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। बात समझ आई भाई? एटम है, एटम के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इन दोनों को अभी हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें खेलना है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ। भाई हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें कौन से चार्ज की स्टडी करनी है, हमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सब बेसिक सी बात थी, आगे चलते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं कि मास भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और चार्ज भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मास भी मैटर की एक इंटरनल नेचुरल प्रॉपर्टी है, बचपन से पढ़ते हैं अभी बिल्कुल ठीक है, मैटर है कोई भी, वो मास ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसका कुछ ना कुछ मास है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड है मास। और आज हमने पढ़ा कि चार्ज भी उसी मैटर की इंट्रिंसिक नेचुरल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, चलो डिफरेंस देखते हैं। देखो भैया, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना, मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, कभी -100 किलोग्राम तो नहीं होता। चार्ज कभी भी मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। भाई मास क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की एक्चुअल क्वांटिटी कुछ तो होगी, होगी तो पॉजिटिव में ही तो होगी। कभी सुना है उसका मास -10 किलोग्राम है, होता ही नहीं है। मास जो है, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अब डिफरेंस देखते हैं, देखो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अभी देखा नहीं हमने, एटम के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन भी थे, एटम के अंदर प्रोटॉन भी थे, इलेक्ट्रॉन थे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन थे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या होगा, मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मास में और चार्ज में। एक डिफरेंस और बताता हूं, एक डिफरेंस होता है, मास इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। मास जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, लेकिन चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एक चार्ज है 10 कूलाम का, वो चल रहा है, स्पीड है उसकी कुछ, तो उसका चार्ज 10 कूलाम ही रहेगा, चाहे वो 10 की स्पीड से चले, चाहे वो 50 की स्पीड से चले, चाहे वो मिलियंस, लाख, 1 लाख, 2 लाख मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज तो अगर 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने क्या लिखा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। पूछो सर मास कैसे करता है फिर? देखो एक फॉर्मूला हमने बहुत बुक्स में देखा होगा, 11th में भी कई बार देखा है, m = m0
अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इसमें m है मास ऑफ मूविंग बॉडी, उस बॉडी का मास है जो बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही है, और m नॉट है यहां पे रेस्ट मास, उसी बॉडी का मास जब वो बॉडी रेस्ट पर हो। v यहां पे है ये बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और c यहां पे आप जानते ही हो स्पीड ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझो, ये एक फॉर्मूला है जो बताता है कि मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा या किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। देखो ध्यान से, देखो v क्या है, v है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो होगी नहीं भाई। ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 100, 200, 500, 1000, 1,000,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से, मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो होगी नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे तेज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये जो फ्रैक्शन है v स्क्वायर बाय c स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो हमेशा, अब देखो m नॉट के अपॉन में 1 से छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो मास क्या हुआ, बढ़ गया ना। बात समझ आई? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मूव कर रहा हो किसी स्पीड से, तो उसका मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इस फॉर्मूले से आप सीधा सीधा देख सकते हो, इस फ्रैक्शन की वैल्यू ओवरऑल 1 से छोटी ही आती है। तो मास बढ़ा के नहीं बढ़ा, ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर 1 से छोटा। बात समझ आई? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या लिखवाया, मास इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, जबकि चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आप बॉडी को कितनी ही तेज दौड़ा लो, चार्ज अगर 10 कूलाम है तो 10 कूलाम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड का। बात समझ आई? तो ये दो बहुत अच्छे हमारे डिफरेंस थे कि चार्ज और मास दोनों ही नेचुरल फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं। किसकी? मैटर की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, मास पॉजिटिव ही होता है हमेशा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है, चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ आई? कोई डाउट नोट कर लो इसको फटाफट से। चलो हो गया बच्चा, आगे चलते हैं। अब एक लाइन आपने अपनी बुक में देखी होगी, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी बताता हूं क्या है। ये लाइन है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस लाइन के बारे में जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी जाएगा तो अपने साथ मास भी लेके जाएगा। अगर चार्ज ट्रांसफर होता है कभी भी, अगर चार्ज कभी भी ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। ये बात अपने जहन में बिठा लो, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अगर चार्ज एक दूसरे से दूसरी बॉडी जाएगा तो अपने साथ मास भी लेके जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझना, एक बॉडी है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉडी है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज मैं कहता हूं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो क्या इस बॉडी के मास पे कुछ फर्क पड़ा और इस बॉडी के मास पे कुछ फर्क पड़ा? देखो, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बहुत अच्छे से पता है, होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। बेशक बहुत छोटा है, 10⁻³¹ बेशक बहुत छोटा है, लेकिन मास तो है। इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है, हाँ या ना? सर हाँ।
तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी चला गया तो इस बॉडी का जो मास है वो कम नहीं हो गया। यस सर, बिल्कुल सही बात है। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इस बॉडी का मास भी बढ़ा। बिल्कुल सही बात है सर, तो मैंने भी तो ये लिखा, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज हमेशा अपने साथ मास को लेके जाता है। याद रखना, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या कह सकते हो लूज करती है, उस बॉडी का मास डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से गए हैं। बात को गहराई से समझो, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, डोनेट करती है, दे देती है इलेक्ट्रॉन, उसका मास घटता है, उसका मास घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं, चार्ज गया है, चार्ज गया है तो अपने साथ मास भी लेके गया है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका मास बढ़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास बढ़ेगा, उसके पास चार्ज बढ़ा तो मास भी बढ़ा। बात समझ रहे हो? और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसका मास घटा। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। बात क्लियर है? इस एग्जाम्पल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट इस बात को भी नोट कर लो और फिर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फटाफट नोट करो, चलो चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अच्छा सा ब्लू कलर लेते हैं। देखो बेटा, चार्ज हमने पढ़ा क्या होता है। चार्ज तो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है मैटर की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आप अच्छे जानते हो, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो बेटा, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। इसको पहले मैं लिखता हूं, होती क्या है, पहले डेफिनेशन लिखता हूं और आप समझने की कोशिश करो। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ये कहती है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब समझते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, आई हैव अ सिस्टम, मेरे पास है एक सिस्टम जिसके अंदर एक चार्ज है प्लस का 2 कूलाम, दूसरा चार्ज है प्लस का 5 कूलाम और तीसरा चार्ज है माइनस का 1 कूलाम। मेरे पास एक सिस्टम है, क्या है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 चार्जेस प्रेजेंट हैं, प्लस 2 कूलाम, प्लस 5 कूलाम एंड माइनस 1 कूलाम। कोई दिक्कत? तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, प्लस 5 प्लस 2,
प्लस 7 एंड माइनस 1 मतलब 6 कूलाम है प्लस का। भाई आप इनका एल्जेब्रिक सम कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी अभी आगे मैं बताऊंगा एडिटिव, फिलहाल अभी कंजर्वेशन देखो क्या होता है। और मैं कहता हूं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहां भी मैंने जो वर्ड यूज किया आइसोलेटेड वर्ड यूज किया, आइसोलेटेड का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि सराउंडिंग से कोई भी एनर्जी का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 3 चार्जेस हैं, ठीक है। इसको हमने हिलाया, इस सिस्टम को हमने हल्का सा हिलाया, शेक किया, और अब इस सिस्टम के अंदर जो 2 चार्जेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं एक तो प्लस का 1 कूलाम और एक बन रहा है प्लस का 9 कूलाम। तो तीसरा चार्ज कितना होगा, यहां टोटल चार्ज कितना था 6 कूलाम प्लस 5 प्लस 2 माइनस 1, तो इसका भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए 6 कूलाम होना चाहिए। प्लस का 9 प्लस का 1 यानी प्लस का 10, तो तीसरा होगा माइनस का 4 कूलाम। अब आप ध्यान दो कि अंदर के तीनों चार्जेस की वैल्यू अलग है लेकिन इस सिस्टम का और इस सिस्टम का टोटल चार्ज बराबर है, यही तो कह रही है प्रॉपर्टी भी। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। देखो इंटरनल चार्ज चेंज हो गए हैं, पहले प्लस 2 प्लस 5 माइनस 1 थे, अब प्लस 1 प्लस 9 माइनस 4 है, लेकिन टोटल चार्ज पहले भी प्लस 6 था और टोटल चार्ज अभी भी प्लस 6 ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको कहते हैं कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है, क्या टोटल चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब जरूर याद रखना, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वैसे तो 11th में आपने ये पढ़ाई होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत इस प्रॉपर्टी में, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी पहली, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फटाफट नोट करो इसको, आगे चलते हैं फिर। चलो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है सर, इसके बारे में तो हम जानते हैं क्योंकि इसके नाम में ये क्या आ रहा है, नाम में ही आ रहा है एड, और इस नाम से ही आप इस प्रॉपर्टी को समझ जाओगे। देखो एक हमारे पास सिस्टम है, क्या है सिस्टम। वैसे ये प्रॉपर्टी मुझे कंजर्वेशन से पहले बतानी थी, कोई बात नहीं, आसान है, वो भी आसान थी ये भी आसान है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज है माइनस 2 कूलाम, एक चार्ज है प्लस 4 कूलाम, एक चार्ज है माइनस 2 कूलाम और एक चार्ज है प्लस 5 कूलाम। इसको हमने कह दिया ये है Q1, इसको हमने कह दिया Q2, इसको हमने कह दिया Q3, इसको हमने कह दिया Q4, चारों के नाम दे दिए। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, 4 चार्जेस हैं सिस्टम के अंदर, Q1 Q2 Q3 Q4 हमने इनको नाम दे दिए। अब देखो क्या लिखा है, एड, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले मैं आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो, स्टेटमेंट क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द
एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुने जरा। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो उसके अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब के इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहां की अगर हम बात करें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर चार चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उन चारों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा इस सिस्टम का टोटल चार्ज। ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है। भाई नाम ही क्या है, एडिटिव, ऐड कर दो सबको तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज आ जाएगा। करो, और ऐड भी कैसे करना है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। चलो निकालते हैं टोटल चार्ज, पहला माइनस टू, दूसरा प्लस फोर, तीसरा माइनस टू, चौथा प्लस फाइव। ये देखो माइनस टू ये कट गए प्लस फोर से, टोटल चार्ज आया प्लस का फाइव कूलाम। इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो होगा प्लस का फाइव कूलाम। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो उसके अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी Q टोटल ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन सब के सम के बराबर होगा टोटल चार्ज। ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, फटाफट नोट की जाए, बहुत आसान थी। फिर हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, और थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो फटाफट इसको नोट किया जाए। हो गया बच्चों, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आगे चलते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं इस पर लिख देता हूँ आईएमपी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज, देखो वर्ड जो होता है ना, क्वांटाइज, क्वांटाइज, क्वांटाइज वर्ड का अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं तो होता है साबुत। ध्यान से समझना अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कैसे बनी। क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है साबुत। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज होता है, चार्ज जो है वो हमेशा साबुत होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई सिस्टम है, मैं कह दूं उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा सिस्टम है, मैं कह दूं उसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन है। कोई तीसरा सिस्टम है, मैं उसके अंदर कह दूं 100 इलेक्ट्रॉन है। क्या कभी ऐसे सुना है आपने, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन, पौने तीन इलेक्ट्रॉन, सवा चार इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी सब एटॉमिक पार्टिकल है, हाँ या ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन साबुत क्वांटिटी में ही पाया जाएगा। कि भैया तो लिखा होगा 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 1 एंड हाफ इलेक्ट्रॉन,
थ्री एंड हाफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा हमेशा साबुत क्वांटिटी में ही मिलेंगे। साबुत क्वांटिटी में मिलना ही तो है क्वांटाइज वर्ड का मतलब, इसी प्रॉपर्टी को तो कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला आपने बुक में देखा होगा, टेंथ में भी देखा होगा, ये फॉर्मूला क्वांटाइजेशन से ही तो बना। देखो Q क्या है, चार्ज है टोटल, N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता है फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब भाई कोई भी सिस्टम है उसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांच क्या है, यानी पांच नंबर, पांच इलेक्ट्रॉन है ना, एन की वैल्यू है, ये पांच इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो क्या इस सिस्टम का टोटल चार्ज नहीं आ गया, Q इज इक्वल्स टू 5E, E की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये आ जाएगा 16, 5 जा 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज आ गया। तो अगर किसी सिस्टम में बोला जाए 10 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू हो गई 10, e की वैल्यू हमें पता ही है फिक्स होती है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यहां रख देंगे टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताती है कि चार्ज तो हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन तो हमेशा साबुत क्वांटिटी में पाए जाएंगे। क्वांटाइज वर्ड का मतलब ही क्या है, साबुत, भाई कभी डेढ़ या आधा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा साबुत क्वांटिटी में पाए जाएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू होती है वो नेचुरल नंबर होती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन n नंबर तक, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, n। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q इज इक्वल्स टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है। बात समझ आई, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज भी आपको मिलेगी किसी किसी बुक में, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर में ही मिलेंगे, आधा डेढ़ पौना ढाई सवा दो सवा चार इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे। बात समझ आई बच्चों, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां से हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया Q इज इक्वल्स टू एनी। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बताता हूं आपको, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे आपको क्वांटाइजेशन समझ आएगा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टेंथ में भी पूछा जाता है, ट्वेल्थ में भी पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन से क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1 कूलाम चार्ज में, 1 कूलाम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यानी क्वेश्चन से आप ये तो समझ गए कि n निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1 कूलाम चार्ज में, चार्ज दिया हुआ है 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमें क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, यहां से n का फॉर्मूला अगर हम बनाए तो Q बाय ई, ई की वैल्यू तो फिक्स होती है, ये तो याद करनी पड़ेगी। ई क्या है यहां पे, ई हमारा होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और जो कि फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। बात समझ आई, तो यहां से हम n निकाल सकते हैं Q बाय E, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम चार्ज में, तो चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम अपॉन E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम,
कूलाम से कूलाम कट गया, ये तो कटना ही था सर, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती। एन क्या है, एन तो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने हैं, कितने प्रेजेंट है एक कूलाम में, तो इसकी यूनिट तो होती नहीं, इसलिए कूलाम से कूलाम तो कटना ही था। ऊपर भी चार्ज, नीचे भी चार्ज, चार्ज की यूनिट से चार्ज की यूनिट खत्म, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1.6 × 10⁻¹⁹, 10⁻¹⁹ था, मैं डिनोमिनेटर से ऊपर ले आया न्यूमरेटर में, तो हो गया 10⁻¹⁹। कोई दिक्कत? ये होता है हमारा, 1 को अगर 1.6 से डिवाइड करें, डिवाइड करके देख लेना, आता है 0.625 × 10⁻¹⁹। तो एक कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक कूलाम चार्ज में हमने निकाल दिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप ये 0.625 देख के कह रहे होगे, अभी तो सर कह रहे थे इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज है, हमेशा साबुत क्वांटिटी में मिलेगा। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, इसके साथ 10⁻¹⁹ भी तो है। अरे भैया 0.625 × 10⁻¹⁹ का मतलब पता है आपको क्या है? अगर मैं पॉइंट हटा के 3 जीरो बढ़ाऊं तो ये 3 कम नहीं हो जाएगा, 625 × 10⁻¹⁹। और इसका मतलब क्या है, 625 और 16 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये तो नेचुरल होल नंबर है भैया, क्वांटाइज तो है, क्यों आप इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हो? 0.625 का मतलब यहां ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, पावर भी तो है साथ में। इस वैल्यू को ऐसे लिख के देखो जरा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक कूलाम चार्ज में। तो चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। आई होप क्वांटाइजेशन आपको समझ आ गया, चार्ज की तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ गई। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा। चलो तो चार्ज देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चार्ज के बारे में और हमने पढ़ी चार्ज की प्रॉपर्टीज तीनों, एडिटिव, कंजर्वेटिव और क्वांटाइजेशन। एडिटिव, कंजर्वेटिव और क्वांटाइजेशन, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे एक आसान सा टॉपिक है जो मैं आपको समझाता हूं, दैट इज चार्जिंग। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग, या कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी चार्ज का ट्रांसफर होना, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चार्जिंग। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप चार्जिंग का, पहला टाइप है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो कंडक्शन का यहां मतलब है टू बॉडीज है हमारे पास, दोनों बॉडीज को आपस में टच करवाना, दोनों बॉडीज को आपस में टच करवाना। देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास एक बॉडी नंबर ए, ठीक है, जिसके पास 10 कूलाम चार्ज है, प्लस का 10 कूलाम चार्ज ऑलरेडी है। दूसरी बॉडी है हमारे पास बी, जो कि क्या है, न्यूट्रल है, क्या है,
न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। एक बॉडी हमारे पास ए है जिसके पास 10 कूलम चार्ज है, एक बॉडी हमारे पास बी है जो कि न्यूट्रल है। अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन किसे कहते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है दुई बॉडीज को, दो बॉडी को आपस में टच करवाना है। दोनों बॉडी को हमने आपस में टच करवा दिया, एक ई एक ए बॉडी एक बी बॉडी, दोनों को क्या करवा दिया, दोनों को कंडक्ट करवा दिया। कंडक्ट करवाने बोला तो मतलब टच करवा दिया। ए पर चार्ज था 10 कूलाम, बी पर चार्ज था न्यूट्रल। जैसे ही दोनों को कंडक्ट करवाया, टच करवाया, तो क्या हो गया, दोनों बॉडी पर चार्ज जो है आधा आधा डिवाइड हो गया। दोनों बॉडी पर चार्ज जो है आधा आधा डिवाइड हो गया, दोनों बॉडी ने चार्ज आधा आधा बांट लिया। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, देखो नोट पॉइंट देखना ध्यान से, इसकी कुछ कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जो दोनों बॉडी हैं ए और बी, अगर इनकी शेप, इनका साइज, इनका मटेरियल, अगर इनकी शेप, इनका साइज और इनका मटेरियल तीनों चीजें जो हैं सेम हैं, ये जिस मटेरियल की बनी है ये भी उसी मटेरियल की बनी है, इसका जितना साइज है इसका भी उतना ही साइज है, इसकी स्फेरिकल शेप है इसकी भी सेम स्फेरिकल शेप है, तो अगर शेप साइज और मटेरियल अगर बराबर हो, सेम हो दोनों बॉडी का, तो दोनों बॉडी टच करवाने पर, कंडक्ट करवाने पर क्या करती हैं, चार्ज को आधा आधा बांट लेती हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम साइज सेम शेप सेम मटेरियल, कहने लगे हम दोनों तो भाई भाई हैं, तो जमीन तो आधी आधी बटेगी। तो इन्होंने कहा कि जितना भी चार्ज है तेरे पास आधा तू रख और आधा मैं रखता हूं, तो जो 10 कूलाम चार्ज था वो डिवाइड हो गया बेटा 5 कूलाम और 5 कूलाम में। लेकिन ये ध्यान रहे, शेप साइज मटेरियल सेम होना चाहिए तो ही चार्ज आधा आधा डिवाइड होता है। देखो और एग्जांपल, एक बॉडी जिस पर प्लस 10 कूलाम, एक बॉडी जिस पर प्लस 2 कूलाम, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, दोनों को क्या कराया, कंडक्ट कराया, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन कराई। अब क्या होगा, सर पहले तो न्यूट्रल थी एक बॉडी, ये वाला चार्ज आधा आधा बट गया था, अब भी हिस्सेदारी आधी आधी होगी, इनकी शेप इनका साइज इनका मटेरियल सेम है, तो क्या होगा, 10 प्लस 2 टोटल 12 कूलाम चार्ज है, तो 12 कूलाम चार्ज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो तो कितना आता है, 6 आता है, तो इसको भी मिला प्लस 6 कूलाम, इसको भी मिला प्लस 6 कूलाम। दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, बहुत आसान प्रॉपर्टी है और बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको, आसान है ना, आसान काम करने में तो मजा आता ही है। दो बॉडी कंडक्ट कराई, दोनों पे चार्ज आधा आधा, प्रॉपर्टी बिल्कुल आधी आधी बटेंगी दोनों पे। और एग्जांपल देखो, एक बॉडी -5 कूलाम, एक बॉडी +7 कूलाम, एक ए बॉडी एक बी बॉडी, दोनों को कराया कंडक्ट, बताइए सोचकर कितना आंसर आना चाहिए। कंडक्शन कराने के बाद, चार्जिंग कराने के बाद दोनों बॉडी पे कितना चार्ज होना चाहिए। तो अगर माइनस का है तो याद करो हमने क्या कहा था, एलजेब्रिक सम, तो माइनस लेना है, माइनस का 5 प्लस का 7 मतलब 2 कूलाम चार्ज है प्लस का, दोनों को आधा आधा बांट दो, प्लस का 1 कूलाम प्लस का 1 कूलाम, ठीक है। तो आई होप कि चार्जिंग बाय कंडक्शन की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, नोट कर लो फटाफट सा, ठीक है बेटा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको आ गया होगा, कंडीशन याद रखना, शेप साइज मटेरियल बराबर होगा सेम होगा तो प्रॉपर्टी नहीं चार्ज आधा आधा बट जाएगा, हिस्सेदारी आधी आधी होगी, जमीन पूरी आधी आधी बटेगी दोनों भाइयों में। चलो आगे चलते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी उठाते हैं,
चार्जिंग नंबर टू, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय एफ मत समझ लेना इसको, इन्फक्शन नहीं, इंडक्शन। इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच। अभी तक हमने कंडक्शन कराया, दो बॉडी को टच करा दिया, अब दोनों बॉडी को टच नहीं कराना है, दूर रखना है। देखो, एक बॉडी पूरी की पूरी हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी न्यूट्रल यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर उतने ही प्रोटॉन हैं। पॉजिटिवली बॉडी यानी प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन कम है, बात को समझा करो ध्यान से। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की कम है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, बी बॉडी न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर। देखो, जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाएगा विदाउट टच, टच नहीं कराना है दूर से। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब बी बॉडी के पास लाया जाएगा तो ये कौन से चार्ज हैं? ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं प्रोटॉन्स भी हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ के सारे इस वाली जगह के सारे पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएंगे और यहां बचेंगे नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना? पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी थी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, इसके पास टच नहीं करना है, विदाउट टच, इंडक्शन इसी को कहते हैं, विदाउट टच इस बॉडी को इस बॉडी के पास लेके गए। तो यहां इसको बोलते हैं नियर एंड के जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो चले गए दूसरे वाले एंड पे, जिसको बोलते हैं फार एंड पर चले गए सारे पॉजिटिव चार्ज, यहां बचे नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी इसको जो बी बॉडी है इसके पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दो या जिसको कहते हैं ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने का मतलब है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में समा गया, या अगर डिटेल में बताऊं तो अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ आए और इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, और बचा क्या इस पे? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी क्या बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ये बॉडी क्या थी? ये बॉडी न्यूट्रल थी, हमने इसको क्या बना दिया? नेगेटिवली चार्ज बना दिया, क्योंकि इसके पास हम क्या लेके आए? पॉजिटिव चार्ज लेके आए। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, पूरा तो नहीं आया, फिर से बताते हैं। एक बॉडी न्यूट्रल, दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जैसे ही हम इस दूसरी बॉडी के पास लेके आएंगे, इसके पॉजिटिव जितने भी होंगे वो सारे दूर भागेंगे, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, बचेगा इधर नेगेटिवली चार्ज। याद रखना, किसी पॉजिटिवली बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो जो नियर एंड बनता है वो नेगेटिवली चार्ज बनता है, और जो फार एंड बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है। अरे भैया, पॉजिटिव को दूर भगा देगा, यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद इस पॉजिटिव को हम खत्म कर देंगे ग्राउंड करके, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। ये कहानी बताई है बस। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट एनी टच। दो बॉडी को टच नहीं किया, टच किया था तो कंडक्शन था, चार्जिंग बाय कंडक्शन था, टच नहीं किया है तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। आगे सुनो, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। एक लास्ट चार्जिंग और बची है वो बताता हूं आपको, थर्ड नंबर पे। चलो, थर्ड है चार्जिंग बाय रबिंग
चार्जिंग बाय रबिंग। ये तो सर हम रियल लाइफ में भी फील करते हैं, सर ये तो हम रियल लाइफ में भी फील करते हैं, बैलून को ऐसे अपने सर पे रब करते हैं और वॉल पे चिपका देते हैं, यही तो चार्जिंग बाय रबिंग। बिल्कुल करेक्ट पकड़ा है। देखो दो बॉडी हैं, बॉडी नंबर ए बॉडी नंबर बी, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं यहां से रब, क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं, दो बॉडी को आपस में घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं रब करने से। यानी हमने क्या दी उनको, हमने दी काइनेटिक एनर्जी। रब कर रहे हैं रब कर रहे हैं रब कर रहे हैं रब कर रहे हैं, सारे पार्टिकल जो है काइनेटिक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां डेवलप हो जाती है थर्मल एनर्जी। दो अपने दोनों हाथों को रब करके देख लो बेटा, थोड़ी देर में गर्म होने लगेंगे, थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, हाँ या ना। दो बॉडी को हम रब कर रहे हैं तो यहां डेवलप हो गई थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भागना स्टार्ट कर देंगे, अरे हम तो छोड़ के जा रहे हैं, जाओ तुम हमें गर्मी दोगे, तुम हमें थर्मल एनर्जी दोगे, हीट दोगे, जाओ हम छोड़ के जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना शेल छोड़ के बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी लूज करना स्टार्ट कर देगी, एक बॉडी लूज करना स्टार्ट कर देगी और दूसरी बॉडी उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगी। अब कौन सी बॉडी लूज करेगी कौन सी बॉडी गेन करेगी ये डिपेंड करता है उनके मटेरियल पर, कौन सी बॉडी लूज करेगी कौन सी बॉडी गेन करेगी ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जिसके इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कम है वो जल्दी लूज करता है, जिसकी ज्यादा है वो जल्दी से लूज नहीं करता। तो कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा ये तो डिपेंड करता है बॉडी के मटेरियल पर। जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उन दोनों में से एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और दूसरी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा होता क्यों है, थर्मल एनर्जी की वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और भागने लगते हैं शेल छोड़कर। अब कहानी आगे सुनो, कहानी आगे भी है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो बॉडी बनती है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। हमें क्या करना था, हमें चार्जिंग ही तो करनी थी, चार्जिंग का मतलब क्या था, चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी कर तो दिया, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो बॉडी कैसी बनी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज गया है उससे, मास उसका कम हो गया, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी स्टार्टिंग में ही, वो सब छोड़ो, इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हुई है, तो ये बॉडी क्या बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अरे भैया तुम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल गेन कर रहे हो तो कैसे बनोगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनोगे ना। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती है, जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज बनती है। अब जब दो बॉडी को रब करा रहे हैं कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। अब आप सोचो मेरी और खली की लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन, अरे भैया खली तो जीतेगा, खली ताकतवर इंसान है, उसका काम है WWE, हमारा काम है पढ़ाना, हम कहां उसके सामने लड़ पाएंगे। तो डिपेंड करा ना, वो जीता हम हारे, हमने अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, जाओ ले जाओ भैया मारो मत हमको। तो दोनों बॉडी मटेरियल पे डिपेंड करेंगी कौन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। दो बॉडी को जब आप रब करते हो तो वो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती हैं, चार्जिंग ही तो करना था, चार्जिंग बाय रबिंग, दो बॉडी को रब करो चार्ज हो जाएगा।
एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। वो डिपेंड करेगा कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई चार्जिंग बाय रबिंग की। समझ गए बात? आई होप जितना भी आपको बताया वो आपको अच्छे से आ गया होगा। बताता हूं, आज हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिटिव, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेटिव, और हमने पढ़ा चार्जिंग के टाइप, चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से, कंडक्शन से यानी टच करवा के, इंडक्शन से यानी अनटच बिना टच कराए, और तीसरा था जो अभी अभी पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग। ये सब आज पढ़ाया है। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास थी चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम कूलाम फोर्स, कूलाम लॉ की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छा अच्छा पढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कूलाम्स लॉ के साथ। थैंक यू वेरी मच।